आपको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। अच्छी तरह मनाना, आपके धन में 13 गुना वृद्धि हो। हमारे घर पे इनके परम मित्र आने वाले हैं आज, फौजी भाई छुट्टी आ रहे हैं आज। आते हैं संजू दा से भी मिल रहे होंगे आपको। भाभी कितने महीने बाद? 5 और हम जा रहे हैं धनतेरस की शॉपिंग करने और दिवाली की शॉपिंग भी करने। इसका तो लेके आ गए हम धनतेरस का सामान, सारा सामान आ गया है। और इस बार हमने दिवाली में सारा का सारा मम्मी और भाभी के लिए लाए हैं एक गिफ्ट। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि इस बार नए नए लक्ष्मी हमारे घर में जुड़ी हैं, तो भाभी के लिए हम एक गिफ्ट लाए हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है 29th of October और आप सभी को हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से धनतेरस की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग खुश रहें और अच्छे से अपनी दिवाली मनाएं। तो अभी मैं हो गई हूँ कॉलेज के लिए रेडी और अभी जाती हूँ। मैंने सोचा थोड़े से व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद भाभी लोग दिन में जो भी आपको व्लॉग में दिखाएंगे, उसके बाद हमें जाना है सामान लेने धनतेरस है क्योंकि आज। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तो बाय बाय। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 9 और आज है धनतेरस। आप सबको धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल हम लगा रहे हैं झाड़ू। हो गया आपको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। अच्छी तरह मनाना, आपके घर धन में 13 गुना वृद्धि हो। हाँ, तो अभी का काम मेरा ये है, ये जो लाइट्स लगाई हैं, कल हमने इनमें कनेक्शन देने में गड़बड़ी कर दी, ये जल ही नहीं। हाँ, तो मैं ये लाइट्स उतार देती हूँ पहले, फिर चेक करेंगे क्या दिक्कत आई, फिर दोबारा लगाएंगे। सुबह के बज गए हैं 11:15 और हम गए थे 10:30 में गए थे हम सब्जी लेने। तो मैं आके लेके आ गई हूँ सब्जी धोती हूँ। मम्मी चले गए हैं किसी के घर पे, किसके यहाँ, किसी की डेथ हुई थी तो उनके यहाँ चाय पत्ती चीनी वगैरह देते हैं ना, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, पर उसको देने गए हैं उनके वहाँ। मैं लाई सब्जी, इसको धो के रख देती हूँ, दूध लाई गर्म करके रख देती हूँ। और हमारे घर पे इनके परम मित्र आने वाले हैं आज, फौजी भाई छुट्टी आ रहे हैं आज, तो उनको वो शायद 1 बजे पहुँचेंगे, तो मुझे लंच भी बनाना है। तो फिलहाल तो मैं इसको धोती हूँ, दूध गर्म करती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। और आज हमने धनतेरस का सामान लेने भी जाना है, जो हमने ले के रखा था कुछ दिन पहले, बताया था जो ले के रखा है, तो उसको लेने जाना है आज। तो ये करती हूँ मैं तब तक। तो बच चुके हैं 1:15, खाना तो मेरा ऑलमोस्ट अब बन गया, दाल बन गई है, चावल भी बस सीटी देगा तो बंद कर देंगे, खाना तो बन गया। पर खाने वाले अभी तक नहीं आए, ना मेहमान आए ना घर वाले आए अभी तक। साथ ने बोला था वो भी हाफ डे में आएगी आज, पर वो भी नहीं आई अभी तक। और मैं वेट करती हूँ अब उनका, बाकी कर भी कह सकती हूँ। सो गाइज, मैं आ गई हूँ घर और मैंने 2 बजे छुट्टी हो गई थी, मतलब हाफ डे हो गया था, गिफ्ट्स मिले दिवाली का, उसके बाद हाफ डे कर दिया था। और अभी खाना वाना खा लिया है, दाल चावल बना था, और आज संजू दा भी आए हैं तो लाइट वाइट लगाने में हेल्प कर देंगे। और अभी हमें धनतेरस का सामान लेने भी जाना है, तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, दिवाली में अलग ही वाइब्स आ रही है। और अभी मैं स्कूटी से आ रही थी तो इतना अच्छा लग रहा था, पूरा इधर उधर चमक धमक, बहुत मज़े आ रहे थे। और अभी क्या चल रहा है, आज मैंने दाल बनाई थी, अच्छी हो रही थी, खुद ही की तारीफ करनी है बेचारे, मैंने कर दी है तारीफ, अंदर चिंता मत करो। अच्छी अरे नहीं, अभी की दाढ़ी आ रही है, पर क्यों पिंपल होगा वो? पिंपल नहीं, वो भाभी है या भैया था, डर लग रहा है इनसे, भैया कुर्ता भी वैसा ही पहना है भैया वाला अंदर जाता है नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक ले संजू मिलाया नहीं। आते हैं संजू दा से भी मिल रहे होंगे आपको। भाभी कितने महीने बाद? 1-1.5 महीना तो हुआ है, कितना टाइम होता है? अप्रैल, मम्मी बताएगी, जुलाई में आया था, जुलाई में, अभी अगस्त सितंबर में तो आया था, उसे अगस्त में आया था,
आपको हैप्पी दिवाली। हाँ इस दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ हमारे लिए चॉकलेट्स, पिछली बार मैंने दादा से बोला था सिल्क लाना, तो वो इस बार भी सिल्क लाया, और भाभी ने किटकैट मंगाई थी तो वो किटकैट लेके आए हैं। तो आ गई आपकी चॉकलेट। इतनी ज्यादा क्यों लाया और इतनी बड़ी क्यों लाया? मैं छोटा भाभी ने कभी इतनी देखी नहीं है ना, इतनी बड़ी बेचारी चकरा गई। ओ इतनी बड़ी चॉकलेट भी होती यार, कभी लेके नहीं आ गया काले हाथ। बर्तन वहाँ से बाद में लाएंगे ना। तो गाइस बच गए हैं 4:45 और हम जा रहे हैं धनतेरस की शॉपिंग करने और दिवाली की शॉपिंग भी करने। इसका पेट नहीं भरा अभी तक आके, तब से खाने में। आज इतनी भीड़ है ना बाजार में, फुल भरी है सारी दुकानें और इतने लोग आ रहे हैं, आज इतने लोग आ रहे हैं। यहाँ पे ले रहे हैं ग्रोसरी का आइटम। हो गया तो गाइस अभी हमने लिया सामान और आज पेमेंट होगी स्वाति की से। नो तो लेके आ गए हम धनतेरस का सामान, सारा सामान आ गया है। और इस बार हमने दिवाली में सारा का सारा तांबे का सामान जोड़ा है। सारा नहीं आया है अभी, खिले बतासी नहीं आए हैं, और मम्मी और भाभी आए हैं, मिठाई नहीं आई है, और मम्मी और भाभी के लिए लाए हैं गिफ्ट। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि इस बार नए नए लक्ष्मी हमारे घर में जुड़ी है, तो भाभी के लिए हम एक गिफ्ट लाए हैं। तो भाभी अभी से खोली, क्या होगा सर? तो गाइस मैं ही खोल रही थी। भाभी क्या होगा इसमें? मुझे कोई आइडिया नहीं है यार, क्या दिया? इसमें मिला हमको मग, पता नहीं हमें मग ही मग क्यों मिला। हाँ हमेशा गिफ्ट में मग ही आते हैं हमारे, वो घबराहट मत कर। तो ये है हमारा धनतेरस का सामान, इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है आज। चमचमाते बर्तन पीतल के तांबे के, इस बार हम बहुत कुछ लाए धनतेरस में है ना, पिछली बार के लाए थे। एक जल ले जाने के लिए एक बर्नी लाए, और इसमें दो कॉपर की बॉटल थी, एक स्वाति के लिए एक मेरे लिए, और इनमें हम नाम लिखवा के भी आए हैं। सब में नाम लिखा है। हाँ इसमें भी नाम लिखा है, सूरज उप्रेती, सब में सूरज। ये मेरे पसंद आया था ना, ये बस सारे बर्तनों में नाम लिखवा के आए हैं हम। ये देख नहीं है, अच्छा नहीं है मंदिर में पानी ले जाने के लिए, जल ले जाने के लिए लोटा हाथ में ले गया, इसमें जल भर के ले गया। और ये मंदिर के लिए टीका पीठा। हाँ ये पीतल का ये लाए, टीका पीठा पीठा बनाने वाला, और ये इसमें दिया रखेंगे। हाँ मंदिर का हमारा छोटा हो रहा था। ये कॉपर की बोतल, ये कॉपर की बोतल दो, इसमें किसका नाम लिखा है? इसमें मेरा नाम लिखा है, और हमको बहुत अच्छे रेट में पड़े ये सब कुछ। सबसे हमको ये नहीं था, एक बार तो देखने के लिए आया। तेरी शादी में ही होगा ये सबसे पहले यूज। ये दे दो, उस दिन गई थी, अभी 3500 का लगा रखी है। अरे तो वैसे काम है हल्दी में करना। अभी तो इसमें नाम लिखे हैं सब में सूरज रहती, यही आया होगा। कितने का? तो महंगा तो यही होगा, सब में लिखा है हमारा नाम। हम नहीं, अगर अभी आ लेते ना, हमको ये कह रहा था ना, तो चार सौ की अच्छी होटल है, तो कह रही हूँ इसके मन आ गए ना, मैंने नहीं लेने दिया इसको, इसके मन आ गए। ये बॉटल अच्छी है, इनको धोना है पहले। बहुत सुंदर है ये, सबके मन आए, बर्तन बहुत अच्छे रहते, काला पड़ेंगे चक्के नहीं, नहीं जैसे ऑनलाइन तो कहाँ लोकल नहीं मिलते। ये हाँ। मोटा भी है, जो आपने अपनी दी को गिफ्ट करी थी वो कैसी थी? मोटा था या ऐसे ही था? ऐसी था वो, हमने तो देखा था ये सामान, क्योंकि हम इसकी शॉपिंग खुद करके आए थे। ये पहली बार देख रही, इसको कैसा लगा?
मुझे बॉटल बहुत पसंद आई। और चीजें पसंद नहीं आई मेरे काम की थी, ये चीजें डब्बा दे दे। अब ये मम्मी अपने लिए लाई है, ठीक है, मंदिर ले जाने के लिए, सबके लिए है, मेरे लिए नहीं, स्पेशली मम्मी। और ये भी नाम अपने लिए लाई है, सूरज प्रीति। ये कभी हुआ तेरी शादी में? लगभग आज से आप लगा सकते हैं, किसी काम का भी यूज हो सकता है। हवन में वो जिस समय जो पार्टी पूजा होती है ना, इसी में वो होता है। अभी बज गए हैं शाम के 7 और हमारे अगल बगल इतना उजाला हो रहा है, और अभी मम्मी जला रही है दिए। और अंदर बन रहा है पनीर, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। आटा गूंदना है? हाँ। तो गाइस, ओ मुंह में थोड़ा डालना, नाक में डालना, मिर्च डाल के देखो ना, मैं अरे तो में चल क्या रहा है, इसको करते हैं ग्राइंड और इसमें डालते हैं काजू। और डालो, ये 10 रुपए के काजू हैं क्या? 20। अरे 20 के 8 काजू आते। सो गाइस, ये इनका खाने का तरीका। भाभी क्या तरीका है? बस एक बहू को शोभा देता है तरीका। टेस्ट कर दे। नहीं मैं खाऊं, कैसा बना रखा है वो है, उसकी पूरी चमड़ी उधाड़ दी आपने। कोई बात नहीं, आज बड़े गोरे लग रहे हो। क्या बात, काली हो गई यार आजकल, पता नहीं और का।